दोस्तों अगर आप लोगों ने पेटीएम से कोई भी पेमेंट किया और आपका पेमेंट फेल्ड हो जाता है या प्रोसेसिंग में चला जाता है, ठीक है, और आपका पैसा आपके खाते से कट जाता है, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, कहाँ कंप्लेन करनी है, आपका पैसा कैसे वापस आएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये हमने एक पेमेंट किया था और दोस्तों ये फेल्ड हो चुका है, ठीक है। अब दोस्तों फेल्ड होने का सबसे पहले हम रीज़न जान लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके में कोई UPI प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके खाते में बैलेंस कम हो, या कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। इसके कोई एक रीज़न नहीं है, इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं फेल्ड होने का। तो रीज़न आपको उस अमाउंट के नीचे लिखा हुआ दिख जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है योर जियो पेमेंट बैंक सीम्स टू बी एक्सपीरियंस हाई पेमेंट फेलियर्स, ठीक है, मतलब कि UPI प्रॉब्लम चल रही थी जिस टाइम पे मैंने ये पेमेंट किया था। अब दोस्तों इन केस अगर हमारे खाते से पैसे कट गए हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, या आपका पेमेंट प्रोसेसिंग में है, तो प्रोसेसिंग में तो दोस्तों ऐसा होता है कि प्रोसेसिंग में अभी पेमेंट सक्सेस भी हो सकता है और फेल्ड भी हो सकता है। फेल्ड होगा तो आपका पैसा आपके खाते में वापस आ जाएगा, ठीक है, और सक्सेस होगा तो जिसको आपने पेमेंट किया था उसके पास पहुँच जाएगा, ठीक। तो प्रोसेसिंग वाले में इतना प्रॉब्लम नहीं होता, प्रोसेसिंग भी आपको टाइम लग सकता है, प्रोसेसिंग हटने में 2 से 3 घंटे का समय लगता है। अगर आपका पेमेंट प्रोसेसिंग में गया है तो 2-3 घंटे आप वेट कीजिए, उतने घंटे में आपका पेमेंट क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों फील्ड वाले की बात की जाए, तो अगर हमारा पेमेंट कट गया तो हम लोग क्या करेंगे, इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पे एक हेल्प का बटन दिखता है, आप लोग सिंपल क्या करेंगे, हेल्प वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप लोग हेल्प के बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आप लोग क्या करेंगे, आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो है चैट सपोर्ट ओपन होकर आ जाएगा, कस्टमर केयर चैट सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी अपने आप जा चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है प्रोसीजर लिख कर आ जाएगा, ये लिखा है अफजल सेंड टू 1750 हिमांशु श्रीवास्तव इतनी तारीख को इतने बजे भेजा है, बट ट्रांजेक्शन फेल्ड हो गया, ठीक, प्लीज़ लेवल द प्रॉब्लम, ठीक है। हमने यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, ट्रांजेक्शन फेल्ड बट मनी डेबिटेड। अब इसका जो रिप्लाई आएगा दोस्तों वो हम देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों लिख कर आ गया, सॉरी टू हेयर डोंट वरी योर मनी नॉट बीन डिडक्टेड एज पर रिकॉर्ड्स, मतलब कि ये कह रहे हैं कि हमारे रिकॉर्ड्स के अनुसार आपका पेमेंट हमारे खाते से नहीं कटा है। अगर दोस्तों आपका कटा होगा तो यहाँ पे लिख कर आ जाएगा कि ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट ले ली गई है, आपको एक कंप्लेंट नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है, आपकी जो पेमेंट है वो हाईलाइट कर दी जाएगी और जल्द से जल्द आपको जो रिफंड है वो कराने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो मतलब यहाँ से आप लोग सिर्फ कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, यहाँ से रिफंड तुरंत नहीं मिलता है, सिर्फ कंप्लेंट रजिस्टर होती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपकी रिफंड आएगी तो कितने देर में, कितने टाइम में आएगी। बेसिकली दोस्तों अगर बात की जाए तो पेटीएम ऐप में ये आपको टाइम देंगे 3 से 5 दिन का, ठीक है। 3 से 5 दिन के अंदर आपका जो भी पेमेंट फेल्ड हुआ है और पैसा कट चुका है वो आपको 3 से 5 दिन के अंदर आपके खाते में वापस कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों इतना समय नहीं लगता है, अब हाई टेक्नोलॉजी आ चुकी है दोस्तों, इतने समय में ये तो बहुत टाइम बता दिया इन्होंने। दोस्तों मैनुअली जो टाइम है अभी के टाइम पे 1 दिन लगता है, 24 घंटे के अंदर आपका जो रिफंड होता है वो दोस्तों आपके खाते में भेज दिया जाता है, और 10% केस में 1 दिन लगता है, बाकी 90% चांस क्या होते हैं दोस्तों, जैसे ही आपका पेमेंट फेल्ड होगा पैसा कटेगा और तुरंत 5 से 10 मिनट के अंदर आपके खाते में पैसा दोबारा से भेज दिया जाता है। लेकिन 10% केस ऐसे होते हैं जिसमें पैसा फंस जाता है, बीच में ही अटक जाता है, तो उसमें 24 से 48 घंटे का समय लग जाता है, लेकिन रिफंड आपको सारा मिल जाता है, कोई भी पैसा आपका मारा नहीं जाता है। पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, कोई भी ऐप उठाकर देख लो, सब में रिफंड आपको मिल जाएगा। लेकिन यह है कि आपको बस सब्र करना होगा, पेमेंट आपको मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको जरूर इन्फॉर्मेशन मिली होगी, वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो।